स्टूडेंट्स, आज मैं उर्दू की क्लास में आपको आपके कोर्स का छठा बाब पढ़ाने जा रहा हूं। छठा बाब एक कहानी है जिसका नाम है गुले अब्बास। उसके लिखने वाले हैं गुलाम अब्बास। कहानी गुलाम अब्बास ने लिखा है। गुले अब्बास एक तरह का फूल है जिसमें कई कलर्स हुआ करते हैं, और इस फूल के बारे में उन्होंने बयान किया है कि जब ये फूल जब बीज था तो क्या फील करता था, जब फूल हुआ तो फिर उसने क्या महसूस किया, और फिर जब उसे शाख से अलग करके उसे गुलदस्ता बना दिया गया तो वो फिर किसी के दिल बहलाने के काम आया, तो फिर उस फूल की क्या कैफियत हुई। इन्होंने फूल को एक किरदार के रूप में पेश कर दिया है। यही इस कहानी का मरकजी ख्याल है कि एक फूल क्या क्या महसूस करता है। आइए, इसमें कुछ लफ्ज और मानी दिए गए हैं जो अक्सर आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं, वो आप नोट करिए। दो कॉलम बनाइए, लफ्ज और मानी। पहला है मध्यम, धीमा आहिस्ता। दूसरा फरेरी, झुरझुरी। तीसरा सुरीली, यानी मधुर आवाज जिसमें सुर हो। हरा किल्ला, हरी कोपल। रविश, रास्ता, पगडंडी। अब इस बाब के आखिर में कुछ खाली जगह को भरने के लिए दिया हुआ है। पहला जुमला देखिए, मैं एक छोटे से काले बीज में, यहां पे खाली जगह था, मैं एक छोटे से काले बीज में रहता था। यानी जब गुले अब्बास, जाहिर सी बात है कि जब वो पौधा नहीं हुआ था तो वो एक बीज था, तो वो एक काले बीज में रहता था। दीवारें मुझे सर्दी से बचाती थी, और यहां इतना छोड़ देगा गर्मी से भी, सर्दी से बचाती थी और गर्मी से भी। अब नेक्स्ट देखिए, दिन भर हम सूरज की, यहां पे खाली जगह, किरणों से, ये फिर खाली जगह, खेला करते थे। दिन भर हम सूरज की किरणों से खेला करते थे, यानी फूल ये ऐसा महसूस करता था। शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की के पास से गुजरी। जब शाम होने को आई तो एक खूबसूरत लड़की उसके पास से गुजरी है। लड़की, उसके पास से गुजरी, और आखिर में है उसके हाथ ऐसे नरम नरम थे कि यहां आकर जान में जान आई। यहां पे आपको ये अल्फाज भरने थे। तो ये यानी गुले अब्बास के बाप के ये एक्सरसाइज थे, जिसे आप नोट कर लीजिए। इसी तरह के सवालात आपके टेस्ट में आते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भेजा और कॉल भी किया है कि उन्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स और गाइड मिलने में बड़ी दुश्वारी हो रही है, यानी जो लोग अलीगढ़ से बाहर हैं। तो उनकी मदद के लिए मैं अपना नंबर दे रहा हूं, 8755204904। आप मुझे 6 से 7 बजे शाम में फोन कीजिएगा, तो मैं, हो सकता है कि यहां से गाइड आपके घर तक भिजवाने में कुछ काम आ जाओ। आप इस लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।